एक बार प्रेम से बोल हर हर महादेव। नालायक हम कह रहे हैं हर हर महादेव, तो कह रहा है अरहर में देव। हर हर महादेव बोले, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। अलोक निरंजन, अलग अलग इंजन। अबे अलग निरंजन की अलग अलग इंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोविंद। नारायण अंत में तू मेरा चेला बनेगा? अबे हमने कहा जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, नहीं जय गुरु गोबरनाथ। आराम जाते देख बच्चा। बाबा आप लोग, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग काशी से आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं पाती से। काशी से, काशी से बाबा प्रयागराज को जा रहे हैं। हाँ, लोग कुटिया कहाँ बा? कुटिया की कुटिया बे, चुप, कुटिया कुटिया नहीं, हम लोग का सुबाला, सुबाला, चुप। ना कबे तू मुझे नष्ट करेगा? सुबाला सुबाला, हम तो बैठा जाए, पहले सुन। कितना भयंकर मेला लगा हुआ, बहुत बड़ा मेला लगा बाबा। मेला की मेला भी हम लोग मेला देख, कितने लोग आए हुए हैं, बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं बाबा। देखो देख बाबा, बाबा उस गली से देख, उधर देख, उस गली से, उस रास्ते से सिर्फ लड़कियां आ रही हैं। और देख हम लोग उसी रास्ते में बैठेंगे जहाँ पर लड़कियाँ आ रही हैं, हाँ बाबा, बाबा। ताकि कोई मिले और उसे लेकर हम लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। कभे कोई भजन उजन जानता है बाबा? इतना दिन हम का तू राख्या, कबो एक चीज बताऊ नहीं भाई, हम तो का राखे बे। चुप नालायक, अबे तू मेरा चेला बन रहा, हाँ, मेरे चे, साथ चे, रह रहा। हाँ, हाँ, आज मैं तुझे एक भजन सुनाऊंगा। सुनो क्या? अचंभा वाली भजन। नहीं हाँ ए बाबा, हाँ? सुनाओ फिर हम आऊंगा। हाँ, सुनाओ। अचरज वाली बात बताने जा रहा हूँ। कैसे बाबा, कैसे? अरे कुछ होगी भैया, जानते हो यहाँ के हमारे प्रधान जी जो हैं, प्रधान जी पन्नालाल कनौजिया साहब, वो इस बात को जानेंगे। अरे कुछ होगी भैया कलही में, अरे मारा तो
क्या होता है? कैसे बाबा आगे क्या हो रहा है? यही तो याद आता है कि मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे उस्ताद जैसे नहीं मिलते। आराधना चल रही है, बड़े बड़े महान ज्ञानी महान तपस्वी इकट्ठा होकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जी हाँ। ऐसा करते हैं, सबसे पहले चल करके, वो बहुत बड़े महान ज्ञानी है, महान पुरुष हैं, चल करके जो उनकी चरण धूलि लेते हैं। आप यही खड़े रहे, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है। ले लिया, वो बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लेने के बाद अपने हस्त रेखा को दिखा देना, अगर तुम्हारे भाग में जो भी लिखा होगा वो तुम्हें जरूर बताएंगे। जाओ बाबा। देखो, देखो।
हस्तरेखा तो समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, इसको धुलाई कर। भी नहीं समझ। आप समझ, बस 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 बच्चे, तुम्हारी हस्तरेखा ये बता रही है, एक बात ये बताओ, क्या तुम्हारा पति दोनों आंख का अंधा तो नहीं है? सही कह रहा हूं ना? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पति के आंखों में रोशनी। देखो, लेकिन एक बहुत कष्ट का काम है, वो सामने जो गंगा नदी दिखाई दे रही है ना, यहां से तुम्हारा पति अकेले गंगा तट पे जाए और वहां से ले कमंडल जल भर करके लाए, जब उस जल से मैं उसके नेत्र को धुलूंगा तो उसके आंखों में रोशनी पुनः वापस आ जाए। हर महादेव, हर महादेव। स्वामी जी, क्या बात है कामनी? बाबा जी बोले हैं। क्या बोले हैं? कि आपके पति अंधे हैं। मैं बोली कि हाँ, तो कहेंगे तुम्हारे पति का ये बहुत परिश्रम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या परिश्रम करना पड़ेगा? बोली कि क्या है बाबा, तो कहीं अपने पति को ये सामने में गंगा जी हैं, वहाँ अपने पति को भेज के वहाँ से एक लोटा गंगा जल लेके आएंगे। अच्छा, मैं उनकी आंखें खोल दूंगा। अरे पत्नी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो मेरे आंखों में रोशनी नहीं थी। क्या बाबा जी, मेरे आंखों में रोशनी फिट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा स्वामी जी। अच्छा ठीक भाई, तुम्हारी मर्जी है कि मैं गंगा के तट पर जाऊं, एक कमंडल जल ला करके तुम्हें दू, बाबा जी अपने तपोबल द्वारा मेरे आंखों में रोशनी वापस ले आएंगे। ठीक है, मैं वहां तक जाऊंगा, मगर जाने से पहले यही कहूंगा कि हम लोगों के पास कोई बर्तन वगैरह तो है नहीं। हो जाएगा। ये आ गए हमारे माननीय आदरणीय महानुभाव ग्राम सभा सिलोखरा के ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सिलोखरा के ग्राम प्रधान हमारे माननीय आदरणीय श्री पन्नालाल कन्हौजिया जी, जिनके सौजन्य से हम आए हुए हैं। आप प्रधान जी के तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से प्रधान जी को नमस्ते प्रणाम। जरा बाबा जी से पता करो उनके पास कोई कमंडल वगैरह है, बटली वगैरह। बाबा जी, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं। हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, आपके पास कुछ हो? फिकर मत करो, फिकर मत करो छोटे बाबा। वो जो तुम्हारी बटुली राम आश्रय को दे दिया था, वो बटुली वापस आ गई। वही बटुली उठा कर बच्चे को दे दो, अरे बच्ची जो है अपने पति को दे, वहां से गंगा जल वापस आ। लो बच्चा, छोटे बाबा की लटिया है। ये आपकी लटिया है? बड़े बाबा की लटिया है, हमारी लटिया तो ये बटुली राम आश्रय के पास। ठीक है बाबा जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं गंगा के तट तक जाऊंगा, जल लेकर के जरूर आऊंगा। कामनी जरा बताओ। क्या स्वामी? बात ये है कि ये मेले का मामला है, यहाँ पर ढोगी 420 साल इकट्ठे होते हैं। मैं तो जा रहा हूँ, आने जाने मुझे कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे, इसलिए
जरा होशियारी से रहना। अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी। दुनिया ना भाए मोहे अब तो बुलाल चरणों में चर जी। हाँ बाबा। तुम्हारा पति गंगा जल लेने के लिए गंगा तट पर गया है यार। जी हाँ। अब तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करो, जिस समय जिस तरफ उदयांचल होते हैं उधर मुखड़ा करके उनकी प्रार्थना करो कि मेरे पति जल्दी वापस आए, बाबा जी इनको नेत्र को धुले ताकि उनके आंखों में रोशनी आ जाए। बच्चे देखो तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया ना। अरे भूल जाओ उस अंधे को, वो अंधा तुम्हें क्या दे सकता है? अरे अंधा कोई कर नहीं सकता धंधा, हमें साधु नहीं समाधु समझो। आओ हम तुम्हारे साथ गोल्डन नाइट मनाएंगे, सेक्सुअल मैटर डील करेंगे, तुम्हारे तुमसे बच्चा पैदा करेंगे। आओ आओ मेरी ले अली अपने हवेली पे जबरदस्ती करी लड़की नहीं जाऊंगी बदतमीज। अरे बदतमीज नहीं बोलना, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाऊंगी जबरदस्ती। बिहारी हो के पास हे गंगा माई धीरे बहो, करेंगे
जल लेकर के आ गया हूँ, मगर अभी भी मैं इसी जगह पर आया हुआ था। बहुत कोलाहल मचा हुआ था, बड़े बड़े महान ज्ञानी महान तपस्वी इकट्ठा होकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे, मगर एकदम सुनसान जगह, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। नहीं नहीं, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता है, शायद अपने कामनी से कुछ दूर पर होऊंगा। यहीं से आवाज दे देता हूं, अगर मेरी आवाज सुनेगी तो मेरे पास दौड़ कर आएंगी और इस गंगा जल को ले जाकर के बाबा जी को देंगी। बाबा जी अपने तपोबल द्वारा मेरे आंखों में रोशनी ले आएंगे और आज मैं इस वीरान सी दुनिया को देख सकूंगा। कामनी कामनी है। अरे तूफान में खड़ा पाना नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन बोल रहा है? मैं स्वयं शिव भगवान मंदिर से बोल रहा हूँ। भोलेनाथ, अरे अरे प्रभु आप सब बोल रहे हैं तो प्रभु, अगर आप आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया है तो आपको भी मालूम होगा कि मेरी बीवी कामनी कहाँ है। कहाँ है भोलेनाथ? हाँ, आप बताएं मुझे। मुझे सब पता है। तू जिस अपनी बीवी कामनी को ढूंढ रहा है और जिसके साथ में छोड़कर चला गया था, वो बाबा नहीं, बाबा के भेष में प्रीतम नगर का जमींदार तूफान सिंह था। हाँ, वो तेरी बीबी को अपनी हवेली में उठा ले गया है। जा जा, उसे बचा नहीं तो उसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। कामनी को उठा ले गया और अब अपने इस मंदिर में बैठे बैठे तमाशा देखते रहे उसके। अरे हम तो आए थे आपके मंदिर पर माथा टेकने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, मगर आप मुझे कुछ तो नहीं दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। भोलेनाथ बेटा, हम हर इंसान को वक्त आने पर ही सजा देते हैं। अभी मेरे हाथों से उसका समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए समय ना गवाओ, आगे बढ़ो, जाओ अपनी बीवी को बताओ। वाह भोलेनाथ, यानी आप वक्त का इंतजार करते रह जाए और मनुष्य की मौत के मुंह में चला जाए। ले गया है, मेरे आंखों में रोशनी है नहीं, मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता हूं। अगर मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो दुनिया मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं आपकी इसी चौखट पर, आपके इसी मंदिर पर अपना ये सर पटक के रोक जाओ बेटा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। उठो, स्टैंड अप प्लीज माय सन, खड़े हो जाओ। जिस जगह खड़े हुए हो उसी जगह की मिट्टी उठाओ, अपनी आंख में लगाओ, तेरी आंखों में रोशनी आ जाएगी और तू जाकर अपनी बीबी के बचा सकते हो। और हाँ, सभी नौटंकी देखने वालों से कहना चाहूंगा, सिर्फ 20 मिनट तक आप लोग यहाँ से ना तो उठेंगे ना जाएंगे। अगर जाने की कोशिश किया तो आंधी तूफान भारी बरसात के साथ 2.5 किलो का पाथर गिरा दूंगा, क्योंकि मैं इसी भगवान बोल रहा हूँ। ठीक है भोलेनाथ, मैं आपके कहने के मुताबिक ऐसा करता हूँ। अगर ऐसा करने पर मेरे आंखों में रोशनी आ गई तो मैं समझूंगा कि आप हकीकत में परमात्मा हैं। अगर मेरे आंखों में रोशनी नहीं आई तो मैं यही समझूंगा कि आप परमात्मा नहीं बल्कि एक पत्थर की मूर्ति।
मैंने क्या किया? अरे प्रभु, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे आप तो सारी दुनिया के मालिक कहलाते हैं, हम तो एक मनुष्य, हमें इतना ज्ञान कहा। प्रभु मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। देखिए मैं आपका दर्शन करने के लिए पुनः वापस आऊंगा, मगर इस वक्त मेरी बीवी की इज्जत का सवाल है। अगर नहीं जाऊंगा तो मेरी बीवी की इज्जत बच नहीं सकती, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका दर्शन करने गया है, ये जरूर आऊंगा, मगर सबसे पहले मेरी बीवी की इज्जत बचाने के।